तो कहानी शुरू एक कपल को दिखाते हुए होती है। एन के बेटे की कुछ वक्त पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से वो हर वक्त काफी परेशान रहा करती थी। तो इसलिए उसके हस्बैंड पॉल को डॉक्टर ने कहा था कि वो अपनी वाइफ को एक नई जगह पर ले जाए, जिससे उसके दिमाग को सुकून मिलेगा और वो पुरानी यादों से बाहर आ जाएगी। अब इसलिए पॉल और एन अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। वो दोनों जब अपने नए घर में आते हैं तो पहली रात वो मूवी देख कर रात गुजारते हैं। इसी दौरान हम देख पाते हैं उनके बेटे की तस्वीर जो फ्रेम में लगी हुई थी, वो खुद ही नीचे गिर कर टूट जाता है। एक दिन एन जब घर पर अकेली थी तो उसे घर के बेसमेंट से आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखती है तो उधर उसके बेटे के ग्लव्स पड़े थे। जैसे ही वो नीचे झुककर उन्हें उठाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपने बेटे के ग्लव्स लेकर ऊपर आ गई थी और शाम को खाना खाते हुए अपने हस्बैंड पॉल को बताती है कि मुझे इस घर में अपने बेटे की स्पिरिट आत्मा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे साथ हो। मगर पॉल उससे कहता है, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपने बेटे की यादों को भूल जाओ। समझ जाओ एन, हमारा बेटा मर चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। उसी रात पॉल एक कंपनी को कॉल करता है जो बिजली की चीजों को ठीक करने का काम किया करती थी। वो उन्हें बताता है कि हमारे बेसमेंट से कुछ जलने की बदबू आ रही है, तो प्लीज आकर चेक कर लें, जैसे कोई बिजली की तार खराब हो। वो कंपनी बताती है कि हमारा एक आदमी आपके पास आएगा जो आकर आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी बिजली को चेक कर लेगा। तभी वहाँ पर एन आती है जो अपने बेटे की तस्वीर का टूटा हुआ फ्रेम लाकर पॉल को दिखाती है और कहती है, मैंने कहा था ना हमारे बेटे की आत्मा हमारे साथ है, देखो उसे ये तस्वीर कभी पसंद नहीं थी, इसीलिए तो उसने ये फ्रेम तोड़ दिया। तभी इनके दरवाजे की बेल बजती है और इनकी मुलाकात एक कपल से होती है जिनमें हस्बैंड का नाम डेव था। वो बताते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं और हम यहाँ पर आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर एन कहती है, हमें यहाँ पर आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं मगर हमसे मिलने अभी तक कोई नहीं आया। ये सुनकर डेव कहता है, ये बात काफी अजीब है, जब भी इस घर में कोई रहने आता है तो पूरे टाउन में अजीब अजीब बातें होने लगती है। और जब उससे इस बारे में बात करता है कि ऐसा क्यों है, डेव बताता है कि कुछ अरसा पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जो पहली बार इस घर में शिफ्ट हुई थी। उनका एक फ्यूनरल पॉलर था, मतलब कि वो मरे हुए इंसानों को तैयार करके उनको दफनाया करते थे। बाद में उनके लिए पूरे टाउन में ये बातें फैलने लगी कि वो फैमिली लाशों को मेडिकल हॉस्पिटल में बेच देते हैं और खाली कॉफिन ताबूत को कब्र में दफना देते हैं। जब इन सब बातों के बारे में टाउन के लोगों को पता चला तो उन्होंने उस फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर उस फैमिली का हेड शराब पीने लगा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। डेव की वाइफ उन्हें यहाँ पर जब कुछ बताने लगती है तो डेव उसे चुप करवा लेता है। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। डेव जाते हुए उन्हें ये भी बताता है कि ये घर बहुत पुराना है, आज 30 साल बाद कोई नई फैमिली इस घर में रहने आई है। वो इस घर को उन्हें पुराने लोगों के नाम से पुकारता है। ये सुनकर पॉल कहता है, नहीं ये अब हमारा घर है। डेव की वाइफ जाते हुए एन से हाथ मिलाती, उसे कुछ पकड़ा कर जाती है। वो एक नोट था जिसमें लिखा था कि इस घर को हर 30 साल बाद एक फैमिली चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके इस घर से चले जाओ, छोड़ दो इस घर को। खैर पॉल इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जब रात को ये दोनों सो रहे थे तो तभी एन की आँख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके दरवाजे पर कोई खड़ा है, मगर जैसे ही वो देखती है उधर कोई भी नहीं था, इसलिए वो दोबारा सो जाती है। तभी हम उनके फैमिली फोटो पर किसी भूत का साया देखते हैं। जब सुबह होती है तो एक आदमी इनके घर पर बिजली को ठीक करने आया था। वो आदमी बेसमेंट में अपना काम करना शुरू कर देता है। तभी ऊपर पॉल के पास एन आती है जो कहती है कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वो भूत प्रेत से बात कर सकते हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि सच में हमारे घर में कोई भूत है या हमारे बेटे की आत्मा। उधर बेसमेंट में जब वो आदमी बिजली की तारों को चेक कर रहा था तो तभी बेसमेंट की लाइट जलने बुझने लगती है। वो आदमी सीढ़ियों पर बैठी हुई एक लड़की को देखता है। पास जाकर उसे पता चलता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक भूतिया आत्मा थी। अचानक से उस आदमी वर्कर का किसी ने हाथ पकड़ लिया था। पॉल जब वापस बेसमेंट में आता है तो वो आदमी कोने में बैठा था और उसका एक हाथ बुरी तरह से जल चुका था। पॉल जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। इस पूरे हादसे के दौरान हम उस बेसमेंट में 3 भूतिया आत्माओं को देखते हैं जिनका जिस्म जला हुआ था। अगली सुबह पॉल दोबारा से बिजली ठीक करने वाली कंपनी में कॉल करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उस वर्कर को करंट लगा होगा। वो उनसे कहता है, प्लीज मेरे घर की प्रॉब्लम को जल्दी दूर करें। जिसके बाद पॉल के घर में अब अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। ये देखकर पॉल भी घबरा गया था, वो भी इनके पीछे के राज को अब जानना चाहता था। इसीलिए वो एन से कहता है कि वो अपने दोस्तों को बुलाए जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जब वो उनके घर पर आते हैं एन की दोस्त उससे कहती है कि मेरा बेटा भी जल्दी यहाँ पर आने वाला है। उसने अपने बेटे को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका बेटा और एन का बेटा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जो इन्होंने रिचुअल जादू करना था उन्हें उसमें उसकी जरूरत थी। शाम को जब ये खाना खाने जाते हैं तो होटल में सब लोग बहुत ही अजीब नजरों से इन्हें ही देख रहे थे। पॉल कहता है, हम इस टाउन में नए हैं ना, तो शायद इस वजह से सब लोग हमें देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम एन के दोस्त के बेटे को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ एन के घर पर पहुंच गया था, जहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि इस वक्त सभी होटल में खाना खाने गए हुए थे। एन के दोस्त का बेटा घर में रुकने का फैसला करता है और काफी मौज मस्ती कर रहा था। तभी इन दोनों को बेसमेंट से आवाज आती है, इसलिए एन के दोस्त का बेटा
जब बेसमेंट में चेक करने जाता है तो उधर वही भूतिया आत्माएं उस पर हमला करके उसे मार देती हैं। ये सब उस लड़के की दोस्त ने भी देखा था। वो ये सब देखकर बहुत डर गई थी, इसीलिए अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। मगर तभी जब उसकी नजर अपनी गाड़ी के शीशे पर पड़ती है तो एक भूत उसकी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा था। इससे पहले वो लड़की कुछ करती, वो भूत अपना हाथ उसके जिस्म के आर पार कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ एन पोल और उनके दोस्त जब होटल से खाना खाकर घर आते हैं तो एन की दोस्त को अपना बेटा नहीं मिलता। उधर हमें वही होटल दिखाया जाता है जहाँ पर एन सबको लेकर खाना खाने गई थी। वहाँ की मालकिन अपनी वेट्रेस से पूछती है कि वो चारों आपस में क्या बातें कर रही थी। वो बताती है बस वो कपल अपने दोस्तों को बता रहे थे कि वो अपने नए घर में कुछ अजीब महसूस करते हैं और उन्हें ये घर जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। तभी होटल के दरवाजे पर डेव आता है, जिसको हमने एन और पोल के घर पर भी देखा था, जो उनका पड़ोसी था, जो आते ही उस वेट्रेस को मार देता है जो ये सब बता रही थी। होटल की मालकिन उससे पूछती है कि तुमने मेरी वेट्रेस को क्यों मार दिया। वो कहता है तुमने उन लोगों के पास उसे क्यों भेजा था। यहाँ पर हमें कहानी का असल राज पता चलता है। देव बताता है इस घर को हर 30 साल में एक फैमिली की जरूरत होती है जिसे वो मार कर खा सके। पहले उस घर में सबसे पहले एक फैमिली आई, फिर उसके बाद पोल और एन उस घर में शिफ्ट हुए। अगर ये लोग यहाँ से सही सलामत निकल गए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। उस घर की डार्कनेस काली परछाई पूरे टाउन में फैल जाएगी, जिससे हर किसी की जान को खतरा होगा। यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि जिस फैमिली के बारे में कहानी के शुरू में डेव ने एन और पोल को बताया था, जिनका फ्यूनरल पार्लर भी था, वो खुद यहाँ से कहीं भी नहीं गए थे, बल्कि इन टाउन के लोगों ने उन्हें यहाँ पर जलाकर मार दिया था। वो भूत आत्माएं उन्हीं लोगों की थी जो उस घर में आने वाले हर इंसान को मार देती थी, मगर अब तक उन्होंने एन और पोल को नहीं मारा था। इसलिए डेव फैसला करता है कि अगर उन भूतों ने एन और पोल को नहीं मारा तो हम मार देंगे। उधर घर में एन की दोस्तों से बताती है कि मुझे तुम्हारे घर में कोई काली ताकत महसूस होती है। कोई तो है इस घर में जो बरसों से छुपा हुआ है, पर वो तुम्हारा बेटा नहीं है। जब रात होती है तो पोल को अपने दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एन की दोस्त वहाँ पर खड़ी हो, पर एन की दोस्तों अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। अचानक से वो भी उठ जाती है, उसे भी डरावना सपना आया था। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस घर में बहुत सी लोगों की जान गई है, ये घर बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर पोल के कमरे का दरवाजा भी खुद ही खुल गया था और उस पर एक भूत हमला कर देता है, मगर जल्दी उसकी आँख खुल गई थी, मतलब वो भी सिर्फ एक सपना देख रहा था। सुबह को नाश्ता करते हुए एन की दोस्त सबको बताती है कि मुझे इस घर में घुटन महसूस हो रही है, इसलिए एन उसे अपने साथ घर का कुछ सामान लेने मार्केट ले गई थी। घर में एन की दोस्त का हस्बैंड रिचुअल जादू की तैयारी कर रहा था ताकि वो इस रिचुअल के जरिए उन भूत आत्माओं से बात कर सके जो इस घर में रहती है। मार्केट में एन की दोस्त उससे कहती है कि तुम लोगों को जल्दी ये घर छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे घर में किसी काली ताकत का साया है। तभी उधर डेव जाता है जो इनसे बात करने लगा था। एन की दोस्त जब उसकी बातों को सुनती है तो उसे वो अजीब लगता है। एन की दोस्त डेव से पूछती है जो फैमिली एन से पहले रहती थी वो सच में ये घर छोड़कर चली गई थी। डेव कहता है हाँ ऐसा ही है, पर कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल रात मैंने उस घर में एक फैमिली को देखा है जो मर चुकी है। एन के घर में पोल और उसकी दोस्त का हस्बैंड रिचुअल करना शुरू करते हैं। अचानक से सभी मोमबत्तियां बुझ गई थी। एक आत्मा एन की दोस्त के हस्बैंड को दूर फेंकती है, वो भी समझ चुका था कि ये एन के बेटे की आत्मा नहीं है। उस आत्मा ने एन के दोस्त के हस्बैंड को पोजेस्ड अपने काबू में कर लिया था। थोड़ी देर में एन और उसकी दोस्त भी घर पर आ जाती है। वो देखती है कि पोल ने एन की दोस्त के हस्बैंड को बांध कर रखा हुआ है और उसके मुँह में कपड़ा भी दिया हुआ था। जब वो पोल से पूछती है तो पोल यहाँ पर उन्हें सारी कहानी बताता है कि इसके अंदर एक आत्मा आ चुकी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी एन के दोस्त का हस्बैंड जिस पर आत्मा ने कब्जा कर लिया था वो उस कपड़े को निकल जाती है और सबसे कहती है कि ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। तभी फोन बजता है जो डेव की वाइफ कर रही थी ताकि इन्हें सच्चाई बता सके, मगर उसे भी पीछे से किसी ने चाकू मार दिया था। वो मरते मरते एन को बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इस घर को जल्दी छोड़ देना। तभी ये सब बातें सुनकर जब एन की दोस्त बेसमेंट में जाती है तो उधर उसे अपने बेटे की मौत का भी पता चल चुका था, जिससे उसे उस आत्मा पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हस्बैंड पर हमला करने लगती है क्योंकि वो आत्मा उसके अंदर थी। कहती है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। एन भी उस आत्मा से पूछती है कि आखिर तुमने टाउन के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया था। वो आत्मा बताती है क्या तुम्हें उस इंसान डेव की बातों पर यकीन आ गया है, वो झूठ बोल रहा है। वो आत्मा बताती है डेव ने इस घर में एक शैतानी आत्मा को जगाया था जिसके लिए उसने मेरी सारी फैमिली को जलाकर सेक्रीफाइस उस शैतानी आत्मा के आगे कुर्बान कर दिया और यही वजह थी इस घर के बेसमेंट से हमेशा जलने की बदबू आया करती थी। और होटल की मालकिन
को भी देव इसलिए जानता था क्योंकि वो उसके कल्ट का हिस्सा थी। एन की दोस्त ये सब जानने के बाद अब भी अपने हस्बैंड को होश मिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो आत्मा उसका पीछा छोड़ दे। तभी वो आत्मा एक रॉड उठाकर उसके हस्बैंड की आंखों पर उसी से वार करवा देती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये नजारा देखकर तीनों यहाँ से भागने लगे थे। तभी एन की दोस्त जब दरवाजा खोलती है तो डेव ने आकर उसके सर पर गोली मार दी थी जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एन और पोल घर के अंदर वापस भागते हैं। यहाँ पर डेव होटल के मालकिन और बाकी कल्ट के लोगों को भी ले आया था जो एन और पोल को मारकर उस शैतानी शक्ति को देना चाहते थे। ये सभी पूरे घर में एन और पोल को ढूंढ रहे थे मगर उस फैमिली के भूत जिनको इन्होंने पहले जलाकर मारा था वो एक एक करके इनको मार देते हैं। इस घर में खून की होली शुरू हो गई थी। हर तरफ मौत का समा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भूत डेव के लोगों को मारकर एन और पोल को बचाना चाहते हों। उधर एन के पास जब होटल की मालकिन उसे मारना चाहती है तो एन ने अपने हाथ में बहुत से चाकू पकड़े हुए थे। वो सभी चाकू एक ही बार उस होटल की मालकिन के गले में मार देती है जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। जिसके बाद एन और पोल यहाँ से भागने लगते हैं तो उनके सामने डेव आ गया था जो कहता है कि इस घर को हर 30 साल बाद एक फैमिली का सेक्रीफाइस चाहिए तो तुम्हें तो मरना ही होगा, मेरी मजबूरी है। तभी डेव के पीछे उस फैमिली का लीडर आ जाता है जिसकी फैमिली को इसने जलाकर मारा था। वो डेव के सर को पकड़कर कुचल देता है जिससे डेव भी अब मर चुका था। उस फैमिली की सभी आत्माएं आजाद हो गई थी जो यहाँ पर 30 सालों से कैद थी। एन और पोल को बेसमेंट से उनके बेटे की आत्मा की आवाज आती है जो कहता है मैं आप लोगों के साथ हूँ। यही वजह थी कि एन को बार बार अपने बेटे की आत्मा महसूस होती थी। हम पोल को देखते हैं जो अपने बेटे की आवाज सुनकर बेसमेंट में जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी ये मुस्कुराहट को दिखाते हुए फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।